तो अभी अभी बीपीएससी ने एक नोटिस जारी किया है जो कि लेक्चरर जो सिविल की पोस्ट थी वो आ गई है। सिविल वालों को इंतज़ार था बहुत दिनों से, तो बहुत सारे डिपार्टमेंट के अलग अलग ब्रांचेस के अभी आए हैं। इलेक्ट्रिकल हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए हैं और कंप्यूटर के भी आए हैं, लेकिन अब एट लास्ट में सिविल के भी वैकेंसी आ गई है। तो देख लीजिए इसकी कितनी सीट है। टोटल सीट जो है वो 130 सीट है, ठीक है। रिजर्वेशन में 35% रिजर्वेशन जो है, इसमें 43 रिजर्व है, ठीक है। जो सामान्य पर्सन जो स्वतंत्रता सेनानी है उनके लिए 2 सीट है, फिर दिव्यांग के लिए इतनी इतनी सीट है रिजर्व है, ठीक है। देखिए शैक्षणिक योग्यता क्या है, बी बीटेक होना चाहिए इंजीनियरिंग कोई डिपार्टमेंट में, ठीक है। ये सिविल से जो डिस्टेंस मोड ओपन यूनिवर्सिटी जो डिग्री है वो मान्य नहीं होंगे, ठीक है। उम्र सीमा 1-8 से वैलिड होंगे। तो ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि जो है 30/9/2020 है। लास्ट डेट जो है 30/9/2020 है, तो कल से जो है इसका स्टार्ट हो जाएगा रजिस्ट्रेशन, तो आप लोग कर लीजिएगा जल्दी जल्दी। ये नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, कितने मार्क्स हैं, टोटल 100 मार्क्स के हैं, तो वेटेज 20 मार्क्स हैं। अब कैसे कैसे मिल रहे हैं ये देखिए, 10 मार्क्स मैक्सिमम 5 मार्क्स एम टेक वाले जो हैं। अब बी टेक के लिए मैक्सिमम 10 मार्क हैं, अब PhD के लिए 5 मार्क्स 20 हो गए, और इसका वेटेज जो है 40 मार्क्स के हैं, तो मतलब 80 प्रश्न होंगे, ठीक है। 2 घंटे के एग्जाम होंगे, 40 अंक होंगे, ठीक है। मतलब 2 क्वेश्चन 1 मार्क्स 1 नंबर के होंगे, जो कि गेट का जो सिलेबस है वही सिलेबस होगा पैटर्न पूरा। 15 मार्क्स इंटरव्यू का होगा, ठीक है। और 25 मार्क्स जो है जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है उसके लिए है। तो ये यहाँ पे जनरल रिक्वायरमेंट दिया है कि क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। जो रिटर्न में सेलेक्ट हो गए वही वही इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट किए जाएंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो रिटर्न है तो इजी नहीं होगा, क्योंकि गेट का सिलेबस दिया हुआ है जो जो है वही पैटर्न में पूछा जाएगा, ठीक है। यहाँ डॉक्यूमेंट जो रिजर्वेशन है आपका वो सारे दिया हुआ है, क्या क्या आपको लगना है वो सब तो आप लोगों को पता ही होगा। अब देखिए मेन बात क्या है, जो भी आपके पास डाटा है जो है करेक्ट फॉर्म फिल करिए, जो भी है कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं डालना आपको, ठीक है। नहीं तो आपका कैंडिडेचर जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। और देखिए ये जो है CGPA को आपको जो परसेंटेज डालना है, CGPA को जो परसेंटेज चेंज करने का है या जो अंक में जो चेंज करने का फॉर्मूला है उस पर आपको डालना होगा। टोटल फी 750 है जनरल के लिए, जो SC ST के 200, दिव्यांग के 200 और अन्य सभी मिलाकर के 750। रजिस्ट्रेशन की तिथि 1/9/2020 से 18 तक हुआ है, मतलब आज से स्टार्ट होगा। ऑनलाइन फुल ऑनलाइन पेमेंट का है जो 23/9/2020 तक होगा। ऑनलाइन फॉर्म भरने का तिथि जो 30/9/2020 लास्ट होगा। और हार्ड कॉपी को आपको लास्ट में भेजना है, जो 7/10/2020 तक आपको लास्ट में भेजना है। जब भी आप जो भी रजिस्ट्रेशन किया है उसके अगले तिथि को 11 बजे के बाद फॉर्म ऑनलाइन पेमेंट होगा, फिर अगले तिथि को 11 बजे बाद ऑनलाइन फॉर्म वैलिड होगा। तो बस इतना है।